निकाय चुनाव के बढ़ते इंतजार के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को दोषी बताया है। उन्होंने कहा है कि सपा नहीं चाहती है कि समय पर चुनाव हो, इसलिए अड़ंगा डालने के लिए सपा ने अपने पार्टी के एक बड़े नेता के भाई के माध्यम से अड़चन पैदा कर रही है। योगी सरकार और भाजपा समय पर निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार है। बुधवार को दिए अपने बयान में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी का लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके नेताओं की मानसिकता दलित, पिछड़ा और महिला विरोधी है। वंचित तबके के बढ़ते प्रतिनिधित्व से समाजवादी पार्टी घबराई हुई है। सपा को आशंका है कि अगर इस वक्त चुनाव हुए तो शहरी निकायों में उसे बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सपा अपने पार्टी के एक बड़े नेता के माध्यम से अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि भाजपा संगठन और उत्तर प्रदेश सरकार की संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप समय पर निकाय चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। समय पर चुनाव हो ताकि शहरों के नियोजित विकास की गति और तेज हो सके। मामले का न्यायालय के समक्ष लंबित होने के सवाल पर केशव मौर्य ने कहा कि हर किसी को अधिकार है कि वह अपनी बात न्यायालय के समक्ष रखे, लेकिन जब मंशा साफ होनी चाहिए। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करती है। सरकार की मंशा साफ है, हम आरक्षण के हर अधिकारी को उसका हक दिलाना चाहते हैं। अब जबकि मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तो न्यायालय का जो भी आदेश होगा सरकार उसका पालन करेगी, लेकिन आज अपनी हार तय जानकर समाजवादी पार्टी चुनाव में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है। चुनाव जब भी होंगे जनता सपा को इसका जवाब जरूर देगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, निश्चित तौर से निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी तैयार है, समय से चुनाव कराने के लिए तैयार है। जो आरक्षण प्रक्रिया है उसके हिसाब से जो आरक्षण के अधिकारी हैं उनको आरक्षण देते हुए चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए तैयार है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के कई लोग जिनकी मानसिकता सदा से, चाहे वह पिछड़ा विरोधी हो, चाहे वह दलित विरोधी हो, चाहे महिला विरोधी है रही है, वो चुनाव समय से नहीं चाहते। मामला माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। माननीय न्यायालय जो आदेश देगा सरकार उसका पालन करेगी, और जिन लोगों का जो भी हक है वह हक उनको मिले, चाहे वह पिछड़े वर्ग से रिलेटेड हो, चाहे अनुसूचित वर्ग से, अनुसूचित जनजाति से, या महिलाओं का हिस्सा हो, सबको उनका हिस्सा मिले, सरकार की ये मंशा है। और चुनाव समय पर हो यह भी सरकार चाहती थी, लेकिन सपा अपने एक बड़े नेता के भाई के माध्यम से इसमें अड़चन डालने का निश्चित तौर से प्रयास किया है। तो मतलब वो जो पिटीशनर है वो सपा से उनका लिंक है, और चूंकि लोग न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत किसी को भी न्यायालय के समक्ष अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जब चुनाव में देरी कैसे हो जाए, चुनाव में जो जिनको अधिकार मिलना चाहिए लड़ने का, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, वो अधिकार से वंचित कैसे हो जाए, जब मनसा इस प्रकार की होती है तो निश्चित तौर से उससे, यह जो मैं लगातार आरोप लगाता रहता हूं कि समाजवादी पार्टी पिछड़ा विरोधी है, अगड़ा विरोधी है, अनुसूचित जनजाति की विरोधी है, महिला विरोधी है, तो उसका ये आचरण प्रदर्शित होता है। और हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास, सबको प्रतिनिधित्व, सबको सम्मान और स्थान देते हुए आगे बढ़ रही है।